शुक्रवार को एक और जहां पाकिस्तान से भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन भारत लौटे, ठीक उसी समय मंदसौर जिला अस्पताल में प्रियंका दवे ने एक बेटे को जन्म दिया। देशभक्ति का जज्बा ऐसा था कि माँ बाप ने मिलकर अपने बेटे का नाम अभिनंदन रख दिया। अपने बेटे का नाम अभिनंदन रखने पर परिवार में काफी खुशी है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शुक्रवार को पूरा देश वाघा बॉर्डर पर फाइटर पायलट अभिनंदन के भारत लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो वहीं मंदसौर जिला अस्पताल में धर्मेंद्र दवे अपने आने वाली संतान का इंतजार कर रहे थे। योग और संयोग की बात है कि धर्मेंद्र को एक साथ दो खुशखबरियां मिली। पहली यह कि अभिनंदन भारत लौट आए हैं और दूसरी यह कि उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। धर्मेंद्र की खुशी का ठिकाना न था, इस खुशी में धर्मेंद्र ने अपने बेटे का नाम अभिनंदन रख दिया। धर्मेंद्र दवे शासकीय कर्मचारी हैं और भावगढ़ क्षेत्र में पटवारी हैं। धर्मेंद्र का कहना है कि वह अपने बेटे को किसी ऐसे काम में डालेंगे जिसमें राष्ट्र की सेवा कर सके। धर्मेंद्र के साथ साथ उनकी पत्नी प्रियंका की खुशी और उनके चेहरे की झलक देखते बन रही है। प्रियंका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमारे देश का बहादुर अभिनंदन जिस वक्त पाकिस्तान से लौटा था उस समय मैंने एक बेटे को जन्म दिया, यही बड़ी वजह रही कि उसका नाम हमने अभिनंदन रख दिया है। जिस तरह वीर अभिनंदन कल पाकिस्तान को धुल चटाकर सब कुशल भारत लौट आए और उसी समय जब वीर अभिनंदन देश में आए हैं उसी समय बच्चे का जन्म हुआ है, तो बच्चे की जन्म की खुशी में और एक राष्ट्रभक्ति भाव से हमने अपने बच्चे का नाम अभिनंदन रखने का निर्णय लिया और इसमें सब पूरे परिवार की सहमति रही, जिस वजह से हमने अपने बच्चे का नाम अभिनंदन रखा और हमें अभिनंदन नाम पर गर्व है और हम चाहते हैं कि इस राष्ट्रभक्ति भाव से हम अपने बच्चे का नाम अभिनंदन रखें और सभी इसी नाम से पुकारें, ये हमारे लिए गौरव की बात है। कल पाकिस्तान से भारत अभिनंदन आया था तो उसकी खुशी में रात को 8 बजे आया था, तो उसकी खुशी में मैंने भी मेरे बेटे का नाम अभिनंदन रखा। इसका जन्म भी उसी टाइम हुआ था 8 बजे।